विनोद शर्मा विनोद शर्मा सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व पार्षद मनोज शर्मा ने जगत महन न्यूज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने पार्षद रहते हुए वार्ड में सीवर गलियां लाइटिंग आदि का कार्य करवाया था। थोड़ी बहुत अगर कोई कमी बाकी है उसे भी वे अगर चुने जाते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार सोनीपत नगर निगम की सरगर्मियां दिखाती आई है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर प्रत्याशी अपना एडी चोटी का जोर जो है लगाए हुए हैं। देखते हैं यहां पे 27 तारीख को किस तरह का माहौल रहता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 से पूर्व पार्षद भी रहे मनोज शर्मा जी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह के मुद्दों के साथ ये चुनाव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन लोगों का इनको मिल रहा है। मनोज जी, किस तरह के मुद्दों के साथ आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरे वार्ड में कुछ सीवरेज की थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वो सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करवाएंगे। और मेरे देवडू गांव जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है मेरा, तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम देवडू रोड पे और इसमें काम करवा पाऊँ ज़्यादा। आपके वार्ड में हमने देखने को मिला देवडू रोड पे बरसात के समय में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और ये जल भराव की स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई, जबकि बीजेपी जो है बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतना विकास कार्य किया, क्या कारण रही है नहीं हो पाया? वो अभी टेंडर दोबारा हुआ है, ये मेन रोड पे काम चला हुआ लैंड का, ये 33 फुट इस रोड पे लैंड दब जाए देवडू गांव में डिस्पोजल पे ना उसी लैंड अलग डलेगी और ये लैंड अलग डलनी है जी। आपके वार्ड में जिस प्रकार से आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा बुजुर्ग लोग काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं बुजुर्गों के बैठने की, बुजुर्गों के लिए कोई कार्य की तो उनके बुढ़ापा पेंशन की, तो आपने इस तरह के कोई कार्य करवाए और अगर बाकी रह गए हैं तो उनको क्या करवाएंगे? बुढ़ापा पेंशन के लिए मैंने बदला काम किया, बीपीएल कार्ड भी मैंने बनवाए लोगों के, और जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई उसको भी दुरुस्त करवाने की कोशिश करूँ। मनोज जी, आजकल जिस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है शहर में, जो है लूट खसोट के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए भी और वैसे भी सुरक्षा की दृष्टि के लिए आप अपने वार्ड में अगर मौका मिलता आपको तो क्या करवाना चाहेंगे? महिलाओं को हमने प्रथम दर्जा देने की कोशिश करी है और हम चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए हम कर पाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे महिलाओं के। जी, जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में युवा भी एक अहम हिस्सा है और युवा आजकल पढ़ाई के साथ तरक्की के साथ साथ नशे की तरफ भी चले जाते हैं, युवाओं को सही राह पे लाने के लिए, वो सही रास्ते पर चले, अपना भविष्य बनाएं, उसके लिए आपके क्षेत्र में कोई खेल का स्टेडियम या कोई ऐसी व्यवस्था आपने की है या नहीं की है, तो अब की बार क्या करना है? अब की बार हम चाहेंगे सरकार हमें ऐसी जगह प्रदान करे जो कमेटी ज़मीनें पड़ी हैं उसमें खेल स्टेडियम बनाए ताकि लोग नशे से दूर हट के खेल की तरफ बढ़े। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लोग, सोनीपत बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक है और आप अपने वार्ड को पूरे हरियाणा में किस तरीके से अच्छा बनाना चाहेंगे और किस तरह का विज़न आपका अब की बार है कि आपके वार्ड में चार चांद लग जाएं? मैं सोनीपत को, अपने वार्ड को, सभी वार्डों से ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से काम हो पाएगा मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से और अपने नौजवान साथियों की सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँगा। यहाँ के लोगों से हमने बात की, सीवर की समस्या बहुत दयनीय है और पीने के पानी में भी बदबू आती है, इस तरह की स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिली है, तो ये चाहते हैं कि अब की बार जो हमारी स्थिति को ठीक करेगा, पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करेगा, हम उसी को वोट देंगे, तो आप क्या आश्वासन देंगे लोगों को? हमने STP लैंड काम स्टार्ट किया हुआ है और जितनी जल्दी जल्दी STP लैंड डल जाएगी, सीवरेज और पानी की लैंड तो ज़्यादातर पूरी हो चुकी है मेरे वार्ड में, लेकिन जहाँ कमी रह गई उसको भी मैं दुरुस्त करवाने की कोशिश करूँ। आपके क्षेत्र में खेती किसानी वाले लोगों का एरिया है और किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो आज किसान दिवस है, तो आज किसान दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से? हम तो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान का 70% जो वोटर है वो किसान है और जब किसान ही दुखी हो जाएगा तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अपने वार्ड की जनता को आने वाली 27 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने वार्ड वासियों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 27 तारीख को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देकर विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्त दर्शकों, ये थे मनोज शर्मा जो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी लोगों की सभी दिक्कतों का समाधान किया है, लेकिन कुछ सीवर की समस्या और पीने के पानी की सप्लाई की जो दिक्कत है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वो मैं आपकी बार अगर मौका मिलता है तो उसको ठीक करवाऊँगा। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को जो ये अपने वादे कर रहे हैं उन वादों पर जीतने के बाद कितना खरा उतर पाते हैं। फिर भी इनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। कैमरामैन विनय के साथ तेजवीर सिंह, सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 5 से, नमस्कार।